तो आप सब कैसे हैं? जैसा कि मतलब बहुत दिनों के बाद ये केमिस्ट्री की अगली क्लास है, तो फिर हम खुद डायरेक्ट टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस समय आंधी आ गई है और चारों तरफ मतलब मॉलिक्यूल रोटेट करा रोटेट करा रोटेट करा रोटेट करा रोटेट कर रहा है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होता है NMR का ये अगला पार्ट है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कैमरे को हम ज़्यादा जल्दी सेट करने का प्रयास करेंगे और कंटिन्यू वीडियो पर लगे रहेंगे और आपको जल्दी से जल्दी ये क्लास को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत दिन से मजाक बहुत हो गया था, तो मजाक नहीं हो पा रहा था, तो फिर मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा था NMR में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस कर रहा था, तो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेट आप सिग्नल मल्टीप्लीकेट आप सिग्नल में मतलब डायरेक्ट हम आ गए थे, जैसे कपलिंग कांस्टेंट वगैरह ये सब डिस्कस करते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। तो फिर इसमें हम ये सिग्नल्स वगैरह निकालने हैं, तो इसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल से जो होता है उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हम आ गए हैं। तो इन प्रोटॉन NMR द सिग्नल्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन एट गेट स्प्लिट इनटू N+1 स्पीड ड्यू टू नेबरिंग प्रोटॉन इनटू N+1 नेबरिंग वेयर यानी नेबरिंग प्रोटॉन जो होता है मतलब बहुत सारे वो सिग्नल्स होंगे ऐसे ऐसे, वो प्रोटॉन के ऐसे 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 तो रोटेट कर रहा रोटेट कर रहा रोटेट कर रहा सिग्नल दे रहा है सिग्नल दे रहा है। हम बोल रहे हैं बोलने दीजिए, ये ऐसे ऐसे हो रहा था होने दीजिए, और सिग्नल वगैरह मल्टीप्लीकेट्स वगैरह सब देने दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लीकेट्स है तो बनने दीजिए। तो इसको लेते हुए टाइम को धीरे धीरे गंतव्य स्थान पर बढ़ते हुए सब कुछ करते हुए इंग्लिश में बोलते हुए हिंदी में बोलते हुए क्लास को डिस्टर्ब ना करते हुए धीरे धीरे कैमरे को सेट करते हुए मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा था रोटेट कर रहा था NMR बन रहा था न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो रहा कपलिंग कांस्टेंट रेशियो वगैरह सब डिस्कस करते हुए डायरेक्ट हम आएंगे मल्टीप्लीकेट था सही ना इन प्रोटॉन NMR सिग्नल था इक्विवेलेंट प्रोटॉन गेट से स्प्लिट इनटू N+1 स्पीड ड्यू टू नेबरिंग प्रोटॉन वेयर यानी तो N+1 जो होता है ये होता है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जैसे एग्जांपल हम आज ले रहे हैं, तो क्योंकि क्लास बोर ना हो जाए इसलिए मॉलिक्यूल डंप कर रहा है नहीं रोटेट कर रहा है बोलिए, क्योंकि NMR है तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस होता है ना, रिजोनेंस कर रहा है। देखिए हवा भी चल रहा है तो हमारा पूरा ब्लैक बोर्ड है वो करने लगा तो कर रहा, तो फिर यहाँ पे CH3 CaCl2 तो यहाँ पे N+1 जब हो गए तो मतलब N जो है नेबरिंग प्रोटॉन है, तो इस रूल में रखेंगे तो इसमें 1 2 सिग्नल 1 2 सिग्नल तो 2 सिग्नल, उसमें 3H का एक सिग्नल और एक 1H का सिग्नल, तो रेशियो जो होगा तो यहाँ से 1 और 3 तो रेशियो यहाँ पे दिखा लग गया, तो H का ये हो गया और 3H का ये हो गया। तो थोड़ा सा और फिर नीचे आएंगे वही फिर दिखाया गया है दूसरे में 3H में मतलब डबलेट बनेगा, उसके बाद 1H क्वाट्रेट ये, तो फिर इसका भी ऐसे तो एकदम 93 पावर पॉइंट मिर्ची मोबाइल वगैरह सब जो करते हैं तो करते रहिए, तो फिर ऐसे 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 तो उसको हम चलने से रहने देंगे। तो फिर ये यहाँ से 3H का डबलेट ये डबलेट तो क्वार्टरेट कैसे इसको उड़ते रहने दीजिए, वो उड़ जाने दीजिए हमारा पूरा कैमरे में उड़ जाने दीजिए, क्योंकि उसको उड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ज़्यादातर हम प्रयास करेंगे कि आपको जो माइंड है उसमें ये घुसे, क्योंकि बिना माइंड में गई तब अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर इन प्रोटॉन NMR सिग्नल अब इक्विवेलेंट प्रोटॉन गेट से N+1 स्पीक ड्यू टू नेबरिंग प्रोटॉन वेयर यानी नेबरिंग प्रोटॉन से N+1 तो N मतलब N में अगर 2 रखें तो 3, तो यहाँ पे हम धीरे से कैमरे को उठाते हुए और अपने दूसरे अंदाज में आते हुए कंटिन्यू बलबली अंदाज में चलते हुए धीरे धीरे यहाँ तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 0 है तो सिंगलेट 1 है, तो डबलेट 2 है, ट्रिपलेट 3 है, तो क्वार्टरेट 4 है, तो क्वांटेड 5 है, सेक्टेड 6 है, सेप्टेड, और ये देख लीजिए प्रोटानों की संख्या ए 0 है तो सिंगलेट 1 है तो डबलेट 2 है तो ट्रिपलेट 3 है तो क्वार्टेड 4 है, क्वांटेड 5 है तो 6 है तो सेप्टेड। तो यहाँ पे फिजिकल ट्रायंगल इंटेंसिटी रेशियो एंड बायोनॉमिकल इंटेंसिटी रेशियो 1 अगर 1 2 मिला तो 1 1, ए अगर 2 है तो 1 2 1, और उसके बाद इसके 1 3 3 1, ये इसको हम धीरे धीरे पहले इसको समझा लेते, 1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1, तो ये जो होता है ये इंटेंसिटी रेशियो बायनोम के रेशियो, तो ये तो थोड़ा सा कैमरे को इधर करते तो ये यही सब है, ये समझ लिए। अगर ये 1 हो गया तो ये ऐसे ऐसे 1 2 1 3 3 ऐसे, तो ऐसे यही सब ये जो बन रहा है तो ये यही सब इसको दिखाया गया है। तो ये यही सब है, और यहाँ पे सिग्नल 1 और ये सिग्नल 2 हो गया 1, तो ये एग्जांपल लिया गया है। तो सी एच एच मतलब 1 है, तो यहाँ देखिए एच 1, तो डबलेट, तो एन एन प्लस 1, तो एन में 1 2, तो यहाँ डबलेट और सिग्नल 2 ये 3 है ना, तो 3 क्वाटरेट, तो ये क्वाटरेट। कैमरा जी को जूम कर दे क्योंकि समझ में आ जाए तभी ना, क्योंकि ये सब काफ़ी प्रॉब्लम धीरे धीरे, चाहे BHU का लैब हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो कि मतलब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वहाँ का बहुत सबसे वो लेंदी है, क्योंकि मतलब अभी तो जो जब वहाँ से निरीक्षण होता है तो सब ओवरऑल इंडिया में, तो फिर उसमें अभी इसके पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी ही चला क्योंकि वहाँ के लैब बहुत जानदार वगैरह, तो मतलब ओवरऑल निरीक्षण करके दिया जाता है कि कौन सा किस पोजीशन पे है। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी जैसा कि अभी तक मतलब रिकॉर्ड में है, अच्छा है, और अभी भी वही बना हुआ है। उसके बाद BHU बहुत पीछे आता है, तो फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी वगैरह में केमिस्ट्री लैब जो है, तो मतलब ऐसे अपने मन से नहीं कि नेतागिरी नहीं चलेगा ना, नेतागिरी वगैरह नहीं करना। देखिए इसको हम यहाँ से इसको रख दें क्योंकि आंधी इतना तेज चल रहा है, तो उसको हम हटा दिए क्योंकि आंधी से हमारा पूरा ब्लैक बोर्ड ही चल जाएगा और उसके बाद टाइम भी बहुत चला जाएगा। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के विषय में हम डिस्कस कर रहे थे जो कि केमिस्ट्री एरिया वो काफ़ी बृहद एरिया में फैला हुआ है, काफ़ी बच्चे मतलब अच्छा मतलब वहाँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे तो बहुत बढ़िया था। तो टाइम ना लेते हुए धीरे धीरे आगे, क्योंकि जब पूरी रैंकिंग की जाती है उसके बाद वो पोजीशन वगैरह दिखाया जाता है। जैसे इंडिया में पूरी जो टीम होती है नैक वगैरह की टीम, उसको निरीक्षण करेंगे तो ये ग्रेट, ये वो ग्रेट, ये ग्रेट, तो वो उस समय उसको दिया गया है। तो फिर अगर कोई बीच में अगर चेंज हुआ तो होगा तो हुआ होगा, नहीं तो अभी तक तो वही है, क्योंकि मतलब इतना बढ़िया इतना जानदार है कि पूछिए मत। तो डायरेक्ट टाइम पे आते हैं, तो सिग्नल हो डबलेट, सिग्नल 2 क्वाटरेट, उसके बाद स्ट्रक्चर सेगमेंट, स्ट्रक्चर सेगमेंट, और उसके बाद यहाँ पे ये दिखाया गया। तो उसके बाद डबलेट, तो यहाँ से इसका ये डबलेट बन जाएगा, और उसके यहाँ से ट्रिपलेट, और सेम एग्जांपल वही दिया गया है इसका, मतलब ये Cl2 CH CH3, तो यहाँ पे डबलेट क्वाट्रेट, यहाँ पे Cl Cl देखे CH CH2 Cl, तो यहाँ पे भी इस होगा। तो सेम इसी प्रकार से आप कैलकुलेट कर लेंगे ये CH3 CH Cl CH Cl CH3, इतना तो डबलेट आप CHN जो होता है उसको रख के, उसके बाद क्वाट्रेट आप 2HA, और उसके बाद जस्ट फिर ये इसमें CH3 Cl CH, उसके बाद CH Cl CH3 CH Cl CH3, तो इसका डबलेट आफ 12HA, ये सब जो है इसको देख लेंगे। उसके क्वाटरेट आफ 4HA, ये सब उसी नियम के अकॉर्डिंग ये सब निकाला गया। तो इसमें धीरे धीरे टाइम ना लेते हुए, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, वो बोरियत भी ना हो जाए, इसलिए NMR में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मॉलिक्यूल उनके कैसे नहीं रिजोनेंस कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, तो रिजोनेंस करने दीजिए, क्लास को आगे चलने दीजिए, क्लास चलता रहेगा तो समझ में भी आता रहेगा। और रही बात तो गर्मी पड़ रही है, एक गिलास वो हरियर लाल नीला नहीं निकालना है, यहाँ पे डायरेक्ट पोजीशन और पिक्स की बात होगी। तो Cl CH2 CH Cl CH2 Cl, तो यहाँ पे भी 1 1 2 2, तो यहाँ तो 2 सिग्नल, तो उसके बाद किसका क्या बना, तो 4H डबलेट और 2H ट्रिपलेट, और उसमें ट्रिपलेट क्वाटरेट यहाँ पे बनेंगे इस एग्जांपल CH2 CH3। तो इसको भी देखिए यानी जो रूल बताएं उसके अकॉर्डिंग इसका, फिर यहाँ पे इसका भी ये देखिए ट्रिपलेट, और उसके बाद क्वाटरेट, इसमें भी CH3 CH2 CH2 CH3, तो फिर सेम इसका भी बना, तो ऐसे 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 इसका भी ऐसे, फिर ऐसे। तो यहाँ पे ये पोजीशन का बता रहे हैं कि ट्रिपलेट क्वार्टर CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2
सी एस टू से तो ए सी एस थ्री से तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेके यहाँ पे डिस्कस किया। इधर ट्रिपलेट ट्रिपलेट तो ये ट्रिपलेट ट्रिपलेट किसी को भी कैलकुलेट करेंगे तो सी एच टू सी एच टू सी एल सी एच टू सी एल टू बी आर, तो यहाँ पर भी सेम मिलेगा। तो सी एल सी एच टू 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 सी एल तो सेम इसका भी है। इसके बाद डबलेट डबलेट एट सी एच सी एल टू सी एच सी एच बी आर तो फिर सेम इसमें भी मिलेगा। डबलेट डबलेट ए इसका सी एच सी एच का, क्योंकि एन प्लस वन जो हमने रूल वगैरह तो अभी डिस्कस किया तो थोड़ा सा हम ब्लैक बोर्ड तो हटा दिए। खैर ये हमारे नेताजी के और बच्चे हैं तो नेताजी पे लगाना दैट इज इम्पॉसिबल। तो फिर डबलेट डबलेट तो फिर यहाँ पे ये इसका देख लेंगे। तो फिर यहाँ पे डबलेट इस एग्जांपल में क्या क्या मिलेगा। डबलेट सिक्सेस आर हेप्टेट तो फिर मतलब ये यहाँ से आ रहा है जियो सिंह। डबलेट वन डबलेट टू ट्रिपलेट थ्री क्वार्टर फोर क्वांटेड फाइव सिक्स सिक्स सेप्टेड तो यही पर डबलेट सेक्टेड हेप्टेट। इसके बाद ये सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच सी एल। इसके बाद ये तो यहाँ पे अगर डबलेट दिखें तो ये तो फिर सिक्स सेप्टेड वगैरह यहाँ भी मिल जाएंगे। तो ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ तक ट्रिपलेट क्वांटेड तो फिर इसमें भी यहाँ पे क्वांटेड इसका बनेगा ये ट्रिपलेट ये। तो फिर अगला एग्जाम्पल दिया गया सी एल सी ये इसका सी एल सी एच टू सी एच टू सी इसके बाद जस्ट अगला सी एल सी एच टू सी एच तो इसे मैकेनिज्म आपका कपलिंग एंड स्प्लिटिंग तो ये मैकेनिज्म वगैरह दिखाया गया है। तो फिर सी एल सी एच एच बी आर तो ए एक तो ये तो फिर ये जो हमने बताया था बाएँ ये पास्कल ट्रायंगल इंटेंसिटी रेशियो एंड बायनोमिकल इंटेंसिटी रेशियो तो ये 1 1 2 1 2 3 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 तो यहाँ पे ये कुछ वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये कैसे बनता है अगर ये सी एल सी एच बी आर तो एच ए से तो फिर इसके बाद ये दिखाया गया है तो वन इतना और इसके बाद सी एच एक्स टू सी एच सी एल तो फिर इसका मतलब ये तो वन टू फिर वन उसके जस्ट उसी अनुपात में एच एक्स एस ए फिर इसके बाद से तो 1 2 1। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मॉलिक्यूल तो वगैरह जो रोटेट किया तो रोटेट किया एनएमआर का ये सातवां या आठवां वीडियो होगा, क्योंकि हम कंटिन्यू सोच रहे ख़त्म करके फिर उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करें, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रा कैसे बनता है और हमारा मंत्र कहने का जरिया पढ़ाने का जरिया कैसा लगता है। तो ऐसे ही बने रहिए और इसके बाद पर्यावरण का वीडियो अभी हम वगैरह सब जो मिलेगा सो मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए आप एकदम जो जुनून एकदम दिल जहान के साथ।